एडजस्टिंग टू दिस पोस्टपार्टम लाइफ की एक स्पेशल टॉक मैं चाहती हूँ आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सुने, बिकॉज पोस्टपार्टम फेज सिर्फ आप मदर्स का नहीं है, हमारे न्यू फादर्स के लिए भी है। एंड एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है वी डोंट इवन एड्रेस देम। पेरेंटिंग जो है वो दोनों के मन से होती है, वो दोनों के अपने संस्कारों से होती है। इट्स एक्चुअली अ लर्नड स्किल, जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी कहते हैं ना, वो एक स्किल है। एंड स्किल का क्या मतलब है कि वो आप सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। एंड इंस्टिंक्टिव नहीं होती है सिर्फ पेरेंटिंग, कुछ हद तक यस, बट फिर सीखना भी बहुत पड़ता है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। एंड इसमें जो आपका बेस्ट टीचर है वो कौन है, वो आपका लिटिल एंजल है। बट आप तो बहुत लकी हैं कि आपका टीचर तो वर्च्यू बेबी है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जब बेबी वूम में होता है उसको बेस्ट से बेस्ट संस्कार देने के लिए, क्योंकि आप सबने वर्च्यू बेबी को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। बट फिर भी बेबी के होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं। आपके अपने संस्कार हैं, वो अपने संस्कार लेकर आया है, आपके रिश्तों में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में अपने तरीके से जिंदगी चल रही है, उसको उसमें अडेप्ट करना है। उसकी फिजिकल इमोशनल नीड्स भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, भले हमने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, बट अगर हमें लगे कि हमारा बेबी नहीं सेटिस्फाई हो रहा, बहुत रोने लग गया, या थोड़ा इरिटेट हो रहा है, या नाइट में रेस्टफुल नहीं है, या अच्छे से फीड हमारे नहीं ले रहा, या कभी हमारा बेबी नर्सरी चला गया फॉर सम रीजन, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को डिस्टर्ब कर देती हैं। सो पोस्टपार्टम फेज में मदर के ऊपर बेबी आराम से लेटा है और वो बहुत प्यार से उसे फीड करा रही है और वो बहुत हैप्पी हैप्पी है, हमेशा ऐसा नहीं होता। सो इसलिए हम दोनों पार्टनर्स को बहुत प्यार से इस चेंजिंग फेज को एक्सेप्ट करना है, अडेप्ट करना है। तो इसलिए आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट व्हाट हाउ हैव यू बीन रेज्ड एज अ चाइल्ड, हाउ योर पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग विद यू, किस तरह से आप अपने चाइल्डहुड को निकल के आए हैं और आपको कितनी नॉलेज है कि बच्चों को क्या चाहिए, न्यूबॉर्न्स का टेम्परमेंट कैसा है, न्यूबॉर्न्स को सूद कैसे किया जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए वो अलग हो सकता है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ कुछ डिसीजन साथ साथ लेते रहें। सो एज अ फादर ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे दैट योर वाइफ हैज जस्ट सडनली बिकम समथिंग वेरी डिफरेंट, अ वेरी ओवर पजेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन, जो सारा टाइम अपने बेबी के लिए बहुत ज्यादा पोजेस्ड रहती है, ऑब्सेस्ड रहती है कि अगर वो रो ले तो मुश्किल। When you may feel कि your parents are saying it's okay ना, थोड़ा रो ही रहा है, दूसरी तरफ अगर वो फीड करा के छोड़ती है तो मदर को लगेगा कोई बात नहीं, आई विल सूथ द बेबी, बट हस्बैंड को लगेगा पता नहीं वो तुम्हारी फीड ले रहा है, स्टिल बेबी इज क्राइंग, आई मीन यू रियली नीड टू डू समथिंग। सो दीज थिंग्स यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन। बातें इतनी ही छोटी होंगी जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करेंगी इस केयर गिविंग के प्रोसेस में, बट अगर आप अंडरस्टैंड करते एक दूसरे को, सपोर्ट पर्सन की तरह खड़े हैं, सो एज अ न्यू फादर यू हैव द एबिलिटी, एज अ न्यू मदर यू हैव द विजडम एज वेल एज द पावर टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज राइट फॉर माई बेबी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉट इज राइट फॉर योर बेबी इज दैट बोथ ऑफ यू आर इन हार्मनी एंड सिंक। कभी कभी मैंने देखा कि फादर्स को बहुत लेफ्ट आउट लगता है, बिकॉज द मदर इज एंटायर डे जस्ट फीडिंग, एंड जैसे वो रोने लगता है या शी गेट्स टायर्ड वो कहती है टेक द बेबी। सो कॉन्स्टेंट डिसीजंस, बेबी को डायपर पहनाना है, कैसे उसको क्लीन करना है, कब उसको फीडिंग करानी है, उसको ऊपर का फीड करना है नहीं करना है, अगर वो नाइट में उठता है तो कौन पहले जागेगा, दोनों अलग अलग ड्यूटीज बांध लें। सो दिस ये इतनी छोटी छोटी चीजें ही करनी है। आपके पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स जो हैं, दे मे हैव डिफरेंट व्यूज, बिकॉज बेबी को रेयर अप करने में इवन दे बिकम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बट समटाइम्स द मदर एंड द फादर दे ऑल्सो नीड टू बी इन चार्ज, बिकॉज उन्होंने अपनी एक जर्नी करी है। आप लोग आपस में कुछ छोटे छोटे डिसीजन लेके राइट देम डाउन एंड देन
सी कि ये जो ट्रांजिशनल फेज है ये किस तरह आप इजीली क्रॉस करते हैं, स्लोली क्रॉस होगा ये, क्योंकि 4 to 6 months में तो सब सेटल हो जाएगा। इनिशियल 4 to 6 months जो होते हैं तब तक की ही जर्नी है जब आपको बहुत इन सिंक रहना है और बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है और कुछ छोटे छोटे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अपने पास रख लेना है। तो ये छोटी चीजें करके आप उस वर्चुअल बेबी के साथ बहुत ब्यूटिफुल टाइम हील करें, खुद को उस बर्थिंग प्रोसेस के बाद हील करें इस इम्पोर्टेंट मदरहुड और फादरहुड की जर्नी पे एक दूसरे को मिलकर।